आजादी का तो फिर पैसिंग का फिर यार बोल आशा सांब्याल है। मैं पीईटी हूँ, जीएमएस जंगलोट में हूँ और आज हमारा ये आज़ादी के महोत्सव के ऊपर हम ये शहीदों की याद में मनाए जा रहे हैं ये प्रोग्राम। और हम यहाँ से चौक से लेकर कोका चक तक जाएंगे, उसके बाद हम रिटर्न वापस यहाँ पे आएंगे। और यहाँ पे ये लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम जितनी भी सारी एक्सरसाइज वगैरह हैं फिजिकल फिटनेस के ऊपर, सब अपने आप को फिजिकल फिट रखिए। और ये कोरोना काल जो है ये बहुत ही पैंडेमिक चल रहा है, इसमें हमें अपने आप को और सबको बचाना है और सबको अवेयर करना है इसके बारे में कि हमें बिल्कुल ही इसको लाइटनिंग नहीं लेना है। इसके ऊपर बिल्कुल आपको सिंसियर रहना है कि आप कोरोना में इन चीज़ों को फिजिकली फिटनेस के ऊपर ध्यान दें, योगा करें, फिजिकल लाइट वाइट कोई भी एक्सरसाइज है वो जरूर करें डेली के रूटीन। डेली कहाँ कहाँ से निकाली जाए, यहीं से निकाली जाए आगे और भी दिखते हैं ये यहाँ से लेकर कोका तक, ये इंटरनेशनल लेवल ऑल ओवर इंडिया में हो रही है, ये इसके तहत हम यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। एजुकेशन मास्टर, आज हमारे डिपार्टमेंट यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ने जो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, ये था हमारा 75 आज़ादी के 75 साल का महोत्सव। इस हमारे देश को याद हुए 75 साल हो गए हैं। हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने एक हमें एक प्रोग्राम निकाला था जिसके तहत हर डिस्ट्रिक्ट में, हर स्टेट में अलग अलग जगहों पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं। हमने जे एज पर डायरेक्शन हमारे डायरेक्टर जनरल और हमारे जू सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर और आगे हमारे ZBO साहब ने जे आज का दिन जो जहाँ पे रखा हुआ था, हमने जे रैली शहीदी जो भक्त सिंह शहीदी पार्क से लेकर कुक्के चक तक ऑर्गेनाइज की थी। और हमारा यही संदेश है कि हमारे जो वीर जवानों ने जो इस देश के लिए जो कुर्बानियाँ दी थी उसी को हम याद करते हुए हम जब अपना 75वां साल आज़ादी का मना रहे हैं। ZBO कठुआ एडिशन चर्च, तो आज हमने आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत शहीद भगत सिंह चौक से लेकर पदयात्रा का रैली का ऑर्गेनाइज किया। ये रैली चौक से लेकर कुका चक और वहाँ से रिटर्न बैक यहाँ तक आई। क्या संदेश देना चाहते हैं इस रैली के माध्यम से आप? इसके यही संदेश है कि जैसे ये पूरे हमारे भारतवर्ष में मनाई जा रही है, कहीं पे योगा दिया हुआ है, कहीं पे मैराथन है, कहीं पे पदयात्रा है, कहीं पे वो भी प्रोग्राम दिए गए हैं। इसी प्रोग्राम के तहत जो हमें ये प्रोग्राम दिया था इसमें हमारा यही था पदयात्रा, तो हम लोगों को यही संदेश देना चाहते हैं जहाँ जहाँ जिसको कोई प्रोग्राम किया वो इसी ढंग से ऑर्गेनाइज करें।